हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। भाई आईपीएल की जो तारीख है फेज टू की, अब नजदीक आती जा रही है। जी हाँ, 19 सितंबर से शुरुआत होनी है फेज टू की, और उससे पहले फ्रेंचाइजीज जो हैं लगातार रिप्लेसमेंट्स को लेके, नए खिलाड़ियों को लेके अपने अपनी स्क्वाड जो हैं वो रेडी कर रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने देखा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, जहाँ पे 3 नए चेहरे, जी हाँ, जिसमें वनिंदु हसरंगा, दुष्मंत चमीरा और अंत में टिम डेविड, तीनों ही खिलाड़ी जो हैं आपको खेलते हुए देखेंगे आईपीएल फेज टू में। तो इन सब में से देखिए, टिम डेविड एक ऐसा नाम आया है जो कि सबके लिए एक नया नाम है, क्योंकि इससे पहले शायद हमने चमीरा का नाम सुना था, हसरंगा का नाम सुना था, लेकिन शायद हमने टिम डेविड जो है उनका नाम नहीं सुना था। बताएंगे आपको कि कौन है टिम डेविड, कहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं, कौन कौन सी टीम्स के लिए खेल चुके हैं और आरसीबी के लिए कितने बड़े एसेट साबित हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को देखिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उससे भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है टिम डेविड। दरअसल सिंगापुर से जो है वो ताल्लुक रखते हैं टिम डेविड, और इनके फादर भी सिंगापुर के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके अलावा टिम डेविड भी दुनिया भर में जो है क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें तो सरे से जो है फिलहाल काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। 15 अगस्त को, जी हाँ, से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सरे के लिए एक ताबड़तोड़ शतक भी लगाया था। 243 रनों का लक्ष्य सरे की टीम चेस कर रही थी, और ताबड़तोड़ शतक जो है मात्र 73 गेंदों में उन्होंने पूरा किया। चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आए थे। तो कहना पड़ेगा कि ये खिलाड़ी में वो बात है जिसकी ज़रूरत आरसीबी को है। लोअर ऑन द ऑर्डर की बात करें या फिर मिडिल ऑर्डर में भी एबी डिविलियर्स के साथ, विराट के साथ, ग्लेन मैक्सवेल के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बीबीएल की तरफ जाऊं, यानी बिग बैश लीग की तरफ, तो वहाँ पे भी होवार्ट हरिकेन्स के लिए जो है टिम डेविड खेलते हैं। पीएसएल में भी टिम डेविड जो है खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था लीग में। इसके अलावा रॉयल लंदन कप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आप ये कह सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बिल्कुल उन पर निगाहें बना रखी थी, उस पर चौका एकदम उन्होंने 15 अगस्त को लगा ही दिया। और ओवरऑल आई फील ये जो एक यूनिट अब नज़र आ रही है आरसीबी की, जिसमें टिम डेविड का भी नाम जुड़ जाता है, वो ये बहुत ही लीथल जो है बल्लेबाजी होने वाली है, जिस टीम में मैक्सवेल हो, विराट कोहली हो, डिविलियर्स हो, और अब तो टिम डेविड भी उसमें आप जोड़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट ये टीम नज़र आ रही है। अब सभी बैंगलोर फैंस के लिए ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, किस अंदाज में और किस रोल में टिम डेविड जो है आरसीबी के लिए खेलते हैं। क्या वो डैनियल क्रिस्टियन की जगह आपको खेलते हुए देखेंगे, या फिर ग्लेन मैक्सवेल अगर कुछ मैचेस में नहीं चलते हैं तो क्या तब डेविड को खिलाया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस साल कप नाम दे ज़रूर आरसीबी सोच रहा होगा, क्योंकि फिलहाल 5 मैचेस वो जीत चुके हैं, 7 मैचेस टोटल खेले हैं, 2 ही मैच वो हारे हैं, और तीसरे स्थान पर फिलहाल जो है आरसीबी की टीम मौजूद है। बस कुछ ही दिन देखिए, 19 सितंबर में रह गए हैं, देखते हैं किस तरीके से कैंपेन की शुरुआत होती है फेज टू में आरसीबी की। फिलहाल टिम डेविड के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, देखते हैं किस तरीके से इनका भी परफॉर्मेंस रहता है और बाद में आरसीबी क्या इस साल कब उठा पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा, और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।